नमस्कार, आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी को मेरे चैनल संजूस होम किचन में स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकें। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन बटर मसाला, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है, इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब हम इसको एक साइड में रख लेंगे और गैस ऑन करके कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। तेल जब गरम हो जाएगा हम इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देंगे, एक तेज़पत्ता, एक टुकड़ा दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची, 5 से 6 लौंग और 5 से 6 काली मिर्च। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 3 से 4 बड़े साइज की प्याज को काट के रखा है, उसको डाल देंगे। अब हम प्याज को सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। प्याज सॉफ्ट हो गया है, अब हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और चिकन मसाला पाउडर। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को हम 3 से 4 मिनट भून लेंगे। तीन से चार मिनट भूनने के बाद हम इसमें टमाटो प्यूरी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज टमाटर का प्यूरी बना लिया है, इसको डाल देते हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे, नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और टमाटर को अच्छे से मसाले के साथ भून लेंगे जब तक टमाटर का कच्चा स्मेल है वो चला ना जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा बटर डालते हैं। जब तक हमारा मसाला भून रहा है हम यहाँ पे काजू और बादाम का पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 7 से 8 काजू और 7 से 8 बादाम को पानी में 15 मिनट पहले भिगो के रखा था, इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। मसाला अच्छे से भून गया है, अब हम इसमें चिकन डाल देते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम चिकन को मीडियम फ्लेम में ढक के पका लेंगे जब तक हमारा चिकन अच्छे से पक नहीं जाता। चिकन हमारा पक गया है, अब हम इसमें काजू और बादाम का जो पेस्ट बनाए थे इसमें डाल देंगे। अब
अब हम इसको 10 मिनट बिना ढक्के मीडियम फ्लेम में पका लेंगे। ये हो गया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून इलायची और सौंफ का पाउडर डालेंगे। ये सौंफ और छोटी इलायची का पाउडर है। इस पाउडर को बनाने के लिए मैं 5 से 6 टेबलस्पून सौंफ में 7 से 8 छोटी इलायची को मिला के उसको ग्राइंडिंग कर लिया है, उसका पाउडर बना के रख दिया था। अब उसी पाउडर में से मैं 1 टेबलस्पून जितना पाउडर इसमें डालूँगी। आप ये पाउडर को स्किप बिल्कुल मत करिए। ये पाउडर बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है चिकन में। अब मैं इसमें 3 से 4 हरी मिर्च काट के डाल दूंगी और थोड़ा सा धनिया पत्ता। अब हम सबको मिक्स कर लेंगे। अब हमारा चिकन बन के रेडी हो गया है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इसको एक प्लेट में सर्व कर देते हैं। अब हमारा गर्मा गर्म चिकन बटर मसाला बन के रेडी है। आप इसको गर्मा गर्म रोटी पराठा किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें।